हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं चंबा शिमला से, मैं और पुरु। और मम्मी अभी ऑफिस है, तो अभी टाइम हो रहा है 1:40 और थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे। 5 बजे की हमारी बस है, पर लेकिन हमें पहले जो है वो मम्मी के पास जाना है ऑफिस में, उनके साथ बात करनी है और उनको कुछ सामान है वो देना है हमको। और बस आज हम चंबा जाएंगे और आज का व्लॉग जो होने वाला है वो होने वाला है शिमला टू चंबा। और यार मतलब कि अच्छा भी लग रहा है घर जाना, और थोड़ा सा नर्वस भी फील हो रहा है क्योंकि मम्मी को अकेले छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे, तो कभी मम्मी को छोड़ा नहीं है अकेले और इतने लंबे टाइम तक, मतलब कभी हम भी नहीं रहे हैं मम्मी के बिना, तो हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम होगा ये। और अब तो यहाँ पे मन भी लग गया है अपना, और मतलब यहाँ अब सब अच्छा लगता है, मतलब यहाँ रहना सब कुछ। और पता नहीं यार चंबा मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, कुछ पता नहीं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हमारा शिमला टू चंबा का बस से। और हमारी बस जो 5 बजे का मैंने बजे से बताया आपको, तो ये सामने लास्ट व्यू है आज का, जो कि आप बहुत याद करेंगे इस व्यू को। और बस मैं रेडी हो गई, मैंने नहा लिया है और अब जैकेट पहनी है और बस निकलते हैं थोड़ी देर में और मिलते हैं आपको सीधा। तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं सड़क पे और मम्मी के पास जा रहे हैं, और इतना सारा लगेज है, ये पुरु के पास भी बैग है अपने, इतनी ज़्यादा मतलब सांस फूल गई, ऊपर सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी वहाँ से। तो अभी चलते हैं और मम्मी के पास जाके मम्मी के साथ मिलते हैं। समझ भी नहीं आ रहा क्या क्या बोलूँ, इतनी ज़्यादा सांस फूल रही है। तो अभी हम मम्मी के ऑफिस के पास पहुँच चुके हैं और मम्मी भी आ गए हैं। मम्मी हम घर जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है, वो तो मुझे पता आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। ठीक है, घर नहीं जाऊं बट जल्दी आ जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, है ना? जाओ जाओ आप मजे से जाओ। हम तो जा रहे हैं अभी, हम यहाँ हाँ अभी हम यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं, यहाँ से बस लेंगे बस स्टैंड की। तो अभी हम यहाँ पे पहुंचे तो बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, गर्मी हो रही थी और प्यास लग रही थी, और हमने पहने भी इतने ज़्यादा कपड़े हैं। और अभी हमने कोक ली और क्या लिया था, स्लाइस, इसमें स्लाइस ली। ठीक है, मम्मी के साथ लास्ट स्लाइस लूस पी लो, जो जो पी रहे हैं उसके बाद मम्मी को मिलेगी हम 1:30। सारे इग्नोर कर रहे हैं मुझे, सारे ही। मम्मी कुछ बोल लो, चले जाएंगे हम। मम्मी कह रहे हैं कि मेरे ऑफिस के लोग सामने खड़े हुए हैं, तो चुप कर ऐसे मत बोल कुछ भी। तो अभी हम बस स्टैंड पहुँच चुके हैं और हमारी एक बस छूट चुकी है ऑलरेडी, और अभी 6 बजे वाली बस मिली हमें, जो कि ये पीछे लगी हुई है बस, और ये सुबह में 9 बजे जो है वो चंबा पहुँचा देगी। आप हमारी हालत देख सकते हैं क्योंकि हमें इतना ट्रैफिक मिला रास्ते में, और कोई भी मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं थी आने जाने के लिए कहीं से, वरना हमने सोचा भी कि हम उतर के चले जाते, थोड़ा पैदल चले जाते, पर लेकिन बिल्कुल भी वो नहीं था चांस आने का। और मतलब हम इतने ज़्यादा इरीटेट हो चुके हैं ना अभी, है ना, है ना, और भूख भी लग रही है अभी थोड़ी थोड़ी, और मतलब ऐसे मतलब बहुत कुछ हो रहा है अभी एकदम से। और अभी हमें लास्ट बस मिली है यहाँ से चंबा की, जो कि सुबह 9 बजे पहुँचा देगी। मिलते हैं आपको सुबह चंबा जाके या रास्ते में कहीं, क्योंकि हमारी हालत ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुकी है और मम्मी की भी कॉल आ रही है। तो अभी यहाँ पे बस रुकी है खाना खाने के लिए, जगह का नाम मुझे नहीं पता है क्या जगह है ये, कोई घाट है, डालडा घाट या डागरा घाट कुछ ऐसा करके नाम है इसका। तो अभी यहाँ पे बस रुकी है, हम तो अपना खाना पैक करवा के ले आए थे घर से, तो हमने वही खाया, हम नहीं गए बाहर खाना खाने। बाकी यहाँ पे अब ठंड भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो हमने जो मतलब अपनी टोपियाँ ली थी वो भी पहन ली है। बस पुरु थोड़ी देर सो भी गया था, ये पुरु है, अंधेरा है पूरी बस में, और यार हालत बहुत ख़राब हो रही है सच्ची में, मतलब पूछो ही मत, हालत ख़राब हो रही है इसकी तो जुबान ही अंदर चलेगी है। तो अभी हम जोत से नीचे पहुँचे हैं, शायद मे भी ये पता नहीं कौन सी जगह है, पर जोत से नीचे ही है, और एक फॉल्स ट्यूजडे, और हमें हनुमान भगवान जी के दर्शन भी होते हैं। और अभी हम मिली है चाय अपनी यहाँ से, और ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा है, और सामने अब बस लगी है। भाई बुरा हाल हो गया हमारा, बुरा हाल हो गया, बुरा हाल नहीं मेरा तो हो गया भाई बुरा हाल। तभी बस हम ये कह रहे थे कि बस वाले अंकल हम 9 बजे पहुँचेंगे, बट मुझे लग रहा है शायद हम 7:30-8 बजे तक पहुँच जाएंगे, है ना। चलो मिलते हैं आगे।
तो हम सुबह 9 बजे जो है वो घर पहुंच गए थे, और आके हमने ना मैंने कोई भी क्लिप नहीं लिए रास्ते में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और आके हमने साफ़ सफाई की, सारा घर साफ किया, मतलब मैंने टॉप क्लीनिंग की, और मतलब मैंने झाड़ू वगैरह सारी जगह मैंने लगाया, और पोछे सारे पूरे लगाए पूरे घर पे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और मतलब डस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फिर उसके बाद मेरी बहन आई थी, उसने वो खाना लेके आई थी हमारे लिए अपने घर से, तो हमने खाना वगैरह खाया, और बस अभी वो गई है अपने घर वापस, और पूरा खाना वगैरह खा के मैंने भी नहा लिया, और पूरे ने भी नहा लिया, पूरा सो भी गया, और मैं भी बस अभी सोच रही हूँ कि सो जाऊँ। 4:30 हो रहे हैं अभी तो, बट लेकिन थक बहुत ज़्यादा लग रही है, बात भी नहीं की जा रही, पता नहीं मतलब बहुत ज़्यादा थक रही है। पूरी रात मतलब 16-17 घंटे का सफ़र था, तो मतलब ऐसे अकड़ गया है शरीर पूरा। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और प्यार दीजिए। बाय बाय।